खालवा में दीप प्रज्वलित कर संपन्न हुआ विशेष महिला विधिक साक्षरता शिविर का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव बीएन प्रजापति व न्यायाधीश श्रीमती सीता कनोजे के द्वारा किया गया। इस शिविर के माध्यम से बीएन प्रजापति ने कहा कि विधिक प्राधिकरण सेवा के माध्यम से ही महिला सशक्तिकरण इतना मजबूत हो पाया है। वहीं न्यायाधीश श्रीमती सीता कनोजे ने बताया कि महिलाएं अपने लिए बनाए गए कानूनों के प्रति जितनी सजग व जागरूक रहेगी तभी वह अपने हितों का भली भांति संरक्षण कर सकेगी। इस अवसर पर चंद्रेश मंडलोई के द्वारा महिलाओं को दहेज प्रतिबंध अधिनियम पास्को एक्ट के तहत बाल विवाह आदि के बारे में विधिक सहायता के महत्व को समझाया। इस अवसर पर महिला बाल विकास अधिकारी ने महिलाओं को टीकाकरण संबंधी जानकारी दी। खालवा तहसीलदार अतुलेश सिंह ने भरण पोषण किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी दी। वहीं खालवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के उइके द्वारा पंचायती राज व पेंशन की जानकारियां दी गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों से आए महिलाओं को कियोस्क बैंक सेंटर में लेन देन करते समय सावधानी बरतने की बात भी कही गई। हरसूद अभिभाषक संघ के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने भी महिलाओं से संबंधित कई जानकारियां दी। इस कार्यक्रम के चलते ग्राम पंचायत खालवा द्वारा अन्य योजना उत्सव कार्यक्रम में पात्रता पर्ची के साथ नवीन हितग्राहियों को राशन भी वितरण किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में पधारे समस्त पदाधिकारी गण व ग्रामीण महिलाओं का आभार खालवा ग्राम पंचायत उप सरपंच अजय पटेल द्वारा व्यक्त किया गया। न्यूज इंडिया N9 सुरेश जाधव की रिपोर्ट। कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग जो राष्ट्रीय प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा आपसी सामंजस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, जिसके माध्यम से महिलाएं अपने अधिकारों को न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तित करा सकें। जैसा कि कोरोना काल में सबको विदित है कि बहुत सी महिलाएं घरेलू हिंसा या अन्य प्रकार से पीड़ित रही हैं और उनको न्याय नहीं मिल पा रहा था, तरह उनको जानकारी नहीं कि कहाँ से क्या न्याय प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य को लेकर के यह शिविर आयोजित किया गया है, जो कि हमारे बीच पधारी हुई महिला रिसोर्स पर्सन एडवोकेट पुष्पा गौर इस शिविर में मुख्य वक्ता के रूप में चिन्हित की गई थी, जिन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया था और आज यहाँ पर उपस्थित होकर उन्होंने जानकारी दी। विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। महिलाओं को उनके अधिकार, कर्तव्य और जिस कारण से वो परेशान या प्रताड़ित हो रही है उसका उपाय क्या है, उसको न्याय किस हिसाब से मिलेगा, इस तरह की जानकारियाँ हमारे द्वारा यहाँ दी गई। और यहाँ चूँकि महिलाएँ काफ़ी संख्या में उपस्थित हुई हैं, हमें उम्मीद है कि महिलाओं को उनके अधिकार कर्तव्य की जानकारी प्राप्त हुई है, वो अमल करेगी। और ये जो समस्याएं हैं कोरोना काल में बहुत सी महिलाएं घर में परेशान या प्रताड़ित हुई हैं, वो कानून के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान करने के लिए जो माध्यम बने हुए हैं उनमें उपस्थित होगी और अपनी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करेगी। मैडम आपका परिचय? श्रीमती सीता कनोजे, प्रधान न्यायाधीश वर्ग 1।